शुरू से फिर देखते हैं डायवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स. तो एग्जिस्टेंस और डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो एग्जिस्टेंस और अकुरेंस और डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नोन एज डायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी. तो एज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट लेट अस सी दिस इज द स्टॉक. ये एक स्टॉक है और इसी स्टॉक से आगे चलकर ये अलग अलग ब्रांचेस एग्जिस्ट हुए. यानी ये लाइफ ओरिजिन का पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच लाइफ ओरिजिनेटेड. बट एज पर देयर रिक्वायरमेंट और एज पर देयर हैबिटेट लाइफ क्या हुआ है, डाइवर्सिफाइड हुआ है, डिफरेंट ब्रांचेस में चले गए. यानी डाइवर्सिफाइड. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं. लेट अस सी पहले जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है एनिमल और प्लांट के रूप में हुआ है. फिर यही प्लांट का अलग डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के रूप में प्लांट डाइवर्सिफाई हुए. उसी प्रकार एनिमल्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट, स्पंजेस, ठीक है, पाइसेस, एम्फीवेरेटर, ये अलग अलग डाइवर्सिफाई हुआ. यानी लाइफ का पहला डाइवर्सिफिकेशन कैसा हुआ है, अगर इसको देखें तो यहां पर नीचे में आते हैं. पहला तो डाइवर्सिफिकेशन मान लीजिए ये लाइफ है, तो लाइफ पहले दो भागों में बटा. यानी एक हुआ प्लांट्स और दूसरा हुआ एनिमल्स के रूप में डाइवर्सिफाई हुआ. फिर प्लांट्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ जैसे लिखा है, बैक्टीरिया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वैसे ही एनिमल्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है. ठीक है, प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक डिफरेंट ग्रुप में हुआ और इन सब के हैबिटेट्स अलग है, मॉर्फोलॉजी अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग है, मोड ऑफ लाइफ स्टाइल अलग है. और इसी डिफरेंसेस या वेरिएशंस अमोंग द लिविंग बींग्स इन देयर मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ लाइफ एंड हैबिटेट इज नोन एज बायोडायवर्सिफिकेशन. अब यहां पर टर्म लेते बेटे बायोलॉजी. तो बायोलॉजी टर्म को किसने दिया है, लेमार और ट्रीवेरेज, ये दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी टर्म को दिया है. ठीक है, और बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स लिए जाते हैं वो ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं. क्यों, व्हाई द टर्मिनोलॉजी आर नॉट टेकन फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस. ठीक है, तो इसका रीजन है कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज ये दोनों डेड लैंग्वेज है. डेड का मतलब ये दोनों लैंग्वेज पहले बोले जाते थे, अब नहीं बोले जाते हैं, प्रचलन में नहीं है. दूसरा बेटे कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में मिस स्पेल्ड नहीं है. तीसरा, इसमें प्रोनंसिएशन या मल्टी मीनिंग प्रॉब्लम नहीं है. जबकि हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में जाएंगे बेटे तो स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम है. उसी प्रकार मल्टी मीनिंग है, एक चीज का कई नाम है, तो ये प्रॉब्लम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में नहीं है. इसीलिए बायोलॉजी में जो टर्म्स लिए जाते हैं वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं. जैसे बेटे बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड सेकेंड इज द लोगोस.
बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी मींस स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी इज इट क्लियर और बायोलॉजी को जन्म देने वाला ठीक है या जिसके द्वारा बायोलॉजी एग्जिस्टेंस में आया है उसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और वो कौन है बेटे एरिस्टोटल है अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी के टू बेसिक ब्रांचेस है एक है बॉटनी और दूसरा जूलॉजी ये दोनों भी ग्रीक वर्ड से बने हैं बॉटन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक बॉटनी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बॉटन और बॉटन का मीनिंग होता है हर्ब या प्लांट्स होता है मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स या हर्ब्स इज नोन एज बॉटनी ठीक है उसी प्रकार जूलॉजी ये दो ग्रीक वर्ड से बना है जू एंड लोगोस जू मतलब एनिमल्स होता है और लोगोस मतलब स्टडी यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी आइए चलते बेटे तो फिर प्लांट्स किसे कहेंगे और एनिमल्स किसे कहेंगे जिनके सेल्स में सेल वॉल पाए जाते हैं उन्हें हम प्लांट्स यानी ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेल वॉल इन देयर सेल्स नोन एज बॉटनी नोन एज प्लांट्स ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल इन देयर सेल्स नोन एज प्लांट्स लाइकवाइज इधर करते हैं कि एनिमल की बात करें यानी ऑर्गेनिज्म विच हैज नो सेल वॉल इन देयर सेल्स यानी ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है उसे हम एनिमल्स कहते हैं आगे चलिए बेटे तो बॉटनी को जन्म देने वाला कौन है या जिसके कारण बॉटनी एग्जिस्टेंस में आया है उसे फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं और फादर ऑफ बॉटनी कौन है थियोफ्रास्टस उसी प्रकार बेटे जूलॉजी जिसके कारण एग्जिस्टेंस में आया है ठीक है वो कौन है फादर ऑफ जूलॉजी कौन है फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है अब इसी प्रकार आगे चलते बेटे कि बायोलॉजी में फर्स्ट बुक कौन सा है ठीक है और किसने लिखा है तो बॉटनी में देखते बेटे बॉटनी में फर्स्ट रिटन बुक कौन सा है हिस्टोरिया प्लांटेरम जिसे लिखा है थियोफ्रास्टस ने उसी प्रकार जूलॉजी में फर्स्ट बुक है कौन सा हिस्टोरिया एनिमेलियम जिसे लिखा है एरिस्टोटल ने तो आगे चलते बेटे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जिसमें दोनों को लेते बेटे जूलॉजी ठीक है प्लस बॉटनी दोनों के ब्रांचेस को हम लेते हैं पहला है बेटे इसमें मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ये मॉर्फोलॉजी भी ग्रीक टर्म है बेटे और इसमें आता है मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म ठीक है मॉर्फ का मतलब क्या है फॉर्म यानी साइज है ठीक है शेप है कलर है लेंथ है नंबर है ठीक है ये क्या चीज है बेटे मार्क कहलाते हैं यानी ये सब एक्सटर्नल करैक्टर है
जिसे हम देख सकते हैं बाहरी लक्षण है और इन्हीं एक्सटर्नल कैरेक्टर पर स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं यानी दिस इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स एक्सटर्नल फीचर्स या करेक्टर्स ठीक है तो उसे हम नोन एज मॉर्फोलॉजी कहते हैं यानी किसी भी प्लांट्स या एनिमल के साइज क्या है शेप क्या है कलर क्या है लेंथ क्या है नंबर क्या है वेट क्या है ठीक है इन चीजों का स्टडी क्या कहलाएगा मॉर्फोलॉजी कहलाता है जैसे हम बोलते हैं वो प्लांट लंबा है हरा है काला है ग्रीन है बोलते नहीं तो ये सब क्या कहलाता है मॉर्फोलॉजी कहलाता है सेकंड एक्टिविटी इसमें एनाटॉमी सेकंड क्या है एनाटॉमी आता है ठीक है जब किसी भी एनिमल या प्लांट का काटते हैं ब्लेड के द्वारा नाइफ के द्वारा या रिजर के द्वारा और काटने के बाद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं भीतर में जो जो चीज है उनका स्टडी करते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं ठीक है दिस इज द स्टडी ऑफ इंटरनल क्या होगा बेटे स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स इंटरनल बॉडी पार्ट्स ठीक है नहीं तो उसे हम नोन एज क्या बोलेंगे एनाटॉमी कहते हैं ठीक है अब एनाटॉमी के दो प्रकार होते हैं एक होता है एक्सटर्नल एनाटॉमी ठीक है और दूसरा होगा इंटरनल क्या है एनाटॉमी होता है क्लियर है एक्सटर्नल एनाटॉमी और इंटरनल एनाटॉमी तो एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या है ठीक है अब मान लीजिए बेटे किसी ह्यूमन बीइंग का हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करते नहीं तो चीर फाड़ करते ओपन करते तो क्या क्या दिखेगा हार्ट दिखेगा लंग्स दिखेगा एलिमेंट्री कैनाल है ना किडनी है लीवर है ये दिखेगा कि नहीं तो ये सब क्या कहलाते हैं हार्ट लंग्स किडनी लीवर ये इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं तो ये जो इंटरनल ऑर्गन है इनके साइज शेप कलर वेट लेंथ यानी इंटरनल ऑर्गन्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर का स्टडी क्या कहलाता है एक्सटर्नल एनाटॉमी कहलाता ठीक है दिस इज द स्टडी ऑफ ठीक है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स यानी साइज है शेप है कलर है एसेट्रा तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ किसके इंटरनल ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स तो इसे हम एक्सटर्नल एनाटॉमी कहते हैं उसी प्रकार इंटरनल एनाटॉमी अब क्या करेंगे बेटे मान लीजिए हार्ट है तो बाहर से देखकर कैसे शेप है साइज है कलर है ये तो हार्ट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कह दीजिए लेकिन जब हार्ट को फिर काटकर अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या कहलाएगा इंटरनल एनाटॉमी कहेंगे दैट इज द ठीक है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ठीक है ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स ठीक है कौन सा इंटरनल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे इंटरनल एनाटॉमी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं तो मॉर्फोलॉजी
एनाटॉमी। फिर आते हैं तीसरा हैबिटेट, यहां पर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? ठीक है, आप देखते हो बेटे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, समझ रहे, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये प्लांट्स में देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन है, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन है, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे? दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ या वाइटल प्रोसेस ऑफ लिविंग्स। ठीक है, तो इसे हम नोन एज क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं, जैसे इन, ठीक है, स्टडी ऑफ क्या बेटे? फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, और क्या बोले? रेस्पिरेशन है, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, और क्या है? एसेंट ऑफ सेप है। ये ऐसे प्रोसेस है जो प्लांट्स में होती है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? जो प्लांट्स बॉडी में वाइटल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस होते हैं उन्हें हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक। और उसी प्रकार एनिमल्स में जो होते हैं, एनिमल्स में क्या क्या होते हैं बेटे? जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है, विजन है, हियरिंग है, ये सब क्या है? एसेट्रा, ये सब एनिमल फिजियोलॉजी कहलाता है। फिजियो, कौन सा फिजियोलॉजी? एनिमल्स फिजियोलॉजी कहलाता है। और ये जितने भी लिखे गए हैं ये सब क्या है बेटे? लाइफ प्रोसेस है, लिविंग का प्रोसेस है। ये किसी नॉन लिविंग या डेड में नहीं होता है, ईंट पत्थर कोहे में नहीं होता है। तो ये जो लिविंग प्रोसेस है या वाइटल प्रोसेस है, इन्हीं का स्टडी क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक। और यदि प्लांट्स में जो प्रोसेस हो रहा है उनका स्टडी करें तो प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा, और एनिमल्स में जो वाइटल प्रोसेस हो रहे हैं उनका स्टडी करें तो वो एनिमल फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आगे चलते हैं बेटे। अगला है, दिस इज द हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्या है बेटा? हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टो, ये जो टर्म लिखे जा रहे बेटे सब ग्रीक वर्ड है। हिस्टो का मतलब होता है बेटे टिश्यू होता है, समझ रहे? यहां पर हिस्टोस का मतलब क्या है बेटे? टिश्यू होता है। यानी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ टिश्यूज, दिस इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज।
ठीक है, इज नोन एज, क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है टिश्यू किसको बोलते हैं, एक स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है बेटे छोटे बच्चों को, जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। अभी आपको टेंथ तक यही पढ़ाया गया है बेटा कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन नोन एज टिश्यू। लेकिन जैसे ही 11 12 हायर क्लास में जाते हैं ये डेफिनेशन चेंज हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर आर डिसिमिलर, ठीक है, इन देयर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट ऑलवेज सिमिलर इन देयर फंक्शंस, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। यानी हायर क्लास में ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सिमिलर भी हो सकते हैं या डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन में ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो वही चीज बेटे, ये था हिस्टोलॉजी। फिर आता है सेल बायोलॉजी, क्या बेटे, सेल बायोलॉजी आता है। तो सेल बायोलॉजी यानी दिस इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ओरिजिन एंड इंटर रिलेशनशिप अमोंग, क्या हो जाएगा, सेल्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार यही पर आ जाएंगे बेटे साइटोलॉजी आ जाएगा, यानी इसमें क्या करते हैं बेटे, साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी का एक छोटा सा ब्रांच है, साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी का एक छोटा सा ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स के दो चीज बेटे, स्ट्रक्चर और फंक्शंस का हम स्टडी करते हैं, तो इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिर इसी में आएगा बेटे एक और ब्रांच लेती है, वो है बायो केमिस्ट्री आता है, ठीक है। आपने बेटे पिछले पीरियड में पढ़ा था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पढ़ा था नहीं, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किस प्रकार, तो वो एक केमिकल रिएक्शन देखे थे बेटे, है ना, पूरा केमिकल रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में वेरियस टाइप्स के बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जो एंजाइम्स के द्वारा ऑपरेट होते हैं, तो इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, इनका स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ वेरियस, क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो सकते हैं, कैटाबोलिक भी हो सकते हैं या फिर एनाबोलिक भी हो सकते हैं। तो स्टडी ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, विच में भी कैटाबोलिक और
एनाबोलिक, तो इसे हम नॉनिस क्या बोलते हैं, बायो केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब इसी में आते बेटे एक और ब्रांच लेते हैं, फिर फिनिश करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है बेटा, एनिमल और प्लांट्स आप देखते हैं, तो एनिमल और प्लांट्स को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक उसको कहते हैं बेटे दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, जिन्हें हम खुले आंखों से देख सकते हैं अपने विजन पावर के अनुसार, ठीक। लेकिन माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमको किसी एड की यानी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो क्योंकि बेटे इनके बॉडी साइज या सेल साइज बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो इन एनिमल्स या प्लांट जो छोटे साइज के हैं यानी स्मॉल साइज के, इन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो ऐसे एनिमल और प्लांट्स को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इनके माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, यानी दिस इज द स्टडी ऑफ व्हाट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा है, एसेट्रा। तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, क्लियर है।